अभी आप देख रहे हैं TVS की रेडियोन बाइक है। इस बाइक का जो क्लच प्लेट है वो सीज कर गया है, फूक गया है, और इतना फूक गया, इतना ख़राब हो गया है कि बाइक को हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, मैं जब इसका किक दबाऊंगा तो किक जो है बिल्कुल स्लिप करेगा। ये देखिए, किक जो पकड़ करना चाहिए, ये किक जो स्लिप कर रहा है, ये सिलेंडर को मतलब पिस्टन क्रैंक को जो है ये घुमा नहीं पा रहा है ये किक। और किक से जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ये क्लच के थ्रू जो है पिस्टन सिलेंडर काम करता है, तभी हमारी बाइक स्टार्ट होती है। लेकिन जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी तो क्रैंक को घुमा नहीं पाएगा, पिस्टन नहीं घूम पाएगा और हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तभी इसमें यही दिक्कतें आ रही है। तो ये जो है कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, अचानक ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस बाइक का क्लच प्लेट जो है मतलब पहले से ही हल्का मतलब यानी कि ख़राब हो गया था, बाइक को किसी तरीके से वो स्टार्ट करके चला रहा था, लेकिन आज जो है मतलब इतना ख़राब हो गया कि ये बाइक अब नहीं स्टार्ट हो पा रही है और इसको हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बेकार हो गया है, ख़त्म हो गया। बिना लगाए क्लच प्लेट हम इस बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे वही कि क्लच लूज कर दो फिर काम करना रहेगा, तो क्लच भी देख सकते हैं कि क्लच भी इसका लूज है। बहुत बार क्या होता है कि जब क्लच टाइट रहता है तो हम लूज कर देते हैं, तो ये समस्या दूर हो जाती है। कभी भी क्लच प्लेट ख़राब होता है, ऐसे फूक जाता है, तो क्लच जो है हाई हो जाता है। लेकिन इसका जो क्लच पहले से ही लूज किया गया है, इसीलिए अगर हम और भी लूज़ करें तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसा अचानक होता है आपके बाइक में, रास्ते में चलते हुए अचानक ऐसा हो जाता है, तो आप देखना कि बाइक का जो क्लच है ये पूरा हाई हो गया, ये प्लेट जो है नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है उस समय इमरजेंसी में, आपको इस नट को लूज़ करना है। नट को लूज़ करने के बाद ये ऊपर का नट लूज़ करना है और इस क्लच में पले लाना है। ये करके आप बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैकेनिक के पास जो है आपकी आप जो है, या फिर कभी भी समय मिलता है तो क्लच प्लेट जाके चेंज करवा सकते हैं। तो अभी मैं इस बाइक का क्लच प्लेट चेंज करने जा रहा हूँ, तो क्लच प्लेट यहाँ पे होता है, ये किक साफ खोलना पड़ेगा, ये चैम्बर खोलना होगा, और चैम्बर बाहर निकलने के लिए हो सकता है मुझे सेंसर का ये सेंसर खोलना पड़े, या फिर ये पत्ती भी हमें खोलना पड़े लंकी वाला बोल्ट। ये सब चीज़ें खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाइक में जो है फाइनली किस बाइक की क्लच प्लेट हमें डालना होगा, कौन सी बाइक की क्लच लगेगी इसमें, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि TVS हो सकता है कि TVS स्पोर्ट वाली ना लगे, स्टार सिटी वाली ना लगे, हीरो होंडा बाइक की लग जाए, अगर आपके पास TVS की नहीं है तो देखने वाले हैं कि किस बाइक की इसमें क्लच प्लेट लगेगी। तो खोल कर आपको दिखाते हैं कि क्लच प्लेट और इसमें और दो सामान होता है, क्लच प्लेट सेंटर हब, ये दोनों सही है या नहीं है वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। नीचे से आपको इंजन और खोल लेना है, 17 नंबर पाना या फिर गोटी हैंडल से, फिर 8 नंबर के टी रेंच, 12 नंबर का पाना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैंने क्लच कवर खोल दिया, तो ये क्लच हमें जो खोलना है, तो मुझे लगता है कि क्लच प्लेट आप TVS स्पोर्ट बाइक का आप इसमें लगा पाएंगे, स्टार सिटी बाइक का लगा पाएंगे, फोनिक्स बाइक का लगा पाएंगे, यानी कि इस तरह की बाइक का आप लगा सकते हैं। तो इसका क्लच प्लेट, ये इसका क्लच हब खराब है, ये कट गया है। क्लच हब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ये क्लच प्लेट है, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रहा ना भाई इस बाइक में, क्लच प्लेट से तो कम हो रहा है। क्लच प्लेट तो ठीक ठाक लगता है देखने में,
लेकिन इसका जो क्लच हब ज़्यादा घिसा हुआ है ना, ये ज़्यादा जो कट गया है, ये किनार देख रहे होंगे आप, ज़्यादा कटने की वजह से क्लच प्लेट को ज़्यादा फिट मतलब टाइट नहीं रख पाता है, इसीलिए स्लिप कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, क्लच हब ये सभी चीज़ें डालेंगे। प्रेशर प्लेट तो हमें मुझे नहीं मिलेगा, हालांकि प्रेशर प्लेट भी हमें डालना चाहिए। इसका जो है पूरा कंप्लीट यानी कि ख़राब हो चुका है, इसीलिए इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसे मैं चेंज करना, देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसी हिसाब से काम करेंगे। देख सकते हैं ये हमने क्लच हब नया लिया आया, और ये क्लच सेंटर है। ये देखिए बिल्कुल टीवीएस का ओरिजिनल है, देख सकते हैं ये भी टीवीएस का ओरिजिनल है पूरा कंफर्म। अब मैं क्लच प्लेट जो डाल रहा हूँ भाई, आप फिर कहेंगे भाई आपने डुप्लीकेट डाल दिया, तो चलो मैं एमके का नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक श्री राम पिस्टन रिंग का एक क्लच प्लेट है, जिसे उषा के नाम से हम लोग जानते हैं, यह उषा ब्रांड जो चलता है, उषा पिस्टन वगैरह रिंग वगैरह, उसी का ये क्लच प्लेट है। ये देखिए, तो हम चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं। ये टीवीएस का विक्टर 125 सीसी का आता है, देख सकते हैं 345 रुपये का MRP हुआ। तो इसका क्लच प्लेट का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं इसका जो लेदर है चौड़े पट्टी में आएगा, समझ गए, चौड़े पट्टी में आता है। देखते हैं कि दोनों में कौन सा हमें लगाना है, लेकिन इतना करने के बाद आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों, एक चीज़ का आपको वो ध्यान देना है, जब आप क्लच हब लगाएंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से देख लेना है, जांच लेना है कि कहीं कोई दाग वगैरह तो नहीं, चोट तो नहीं लगा है। तो मैंने जहाँ तक देखा तो छोटा सा इसमें एक चोट लगा हुआ सा दिखाई दे रहा है, झलका जी है, है। तो देखिए ये चोट लगने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो मेटल है ये ऊपर की ओर निकल गया। अब यहाँ पे अगर मैं क्लच प्लेट लगाऊंगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से बैठेगा नहीं, और अगर बैठ भी जाता है तो ये क्लच प्लेट को जो है, ये क्लच प्लेट को ख़राब कर सकता है। ये देखिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले रेती के जरिए से साफ़ कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ इसको। ये हो जाता है कभी मतलब चोट उट लग जाता है गिर के, तो इसी में होता है ये। मेरा यही कहना है कि कोई भी सामान लगाइए, ओरिजिनल और डुप्लीकेट से कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ अगर लगाते हैं तो उसे देखिए, परखिए कि वो चीज़ सही है या नहीं है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि इससे पहले किसी ने क्लच प्लेट सिर पर डाल दिया और एक महीने के बाद जो है फिर से क्लच प्लेट काम करना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें सोचना, जबकि उनसे जो है वो कस्टमर कह रहे हैं कि मेरे से भाई 1200 रुपये लिया है उन्होंने, और बताइए कि क्लच प्लेट सिर पर डाल के उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं भी अगर ये काम कर दूँ तो भाई सब तो चोर ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर हमारे क्षेत्र से हैं, कासिम मोटो मेरा दुकान का नाम है, मैं झारखंड गोडा नरेनी से हूँ, कब्रिस्तान के सामने मेरा वर्कशॉप पड़ता है। अगर आप मेरे नज़दीकी क्षेत्र के हैं तो आप मेरे पास आएँ, यहाँ पर टोटल चीज़ जो है बिल्कुल आपके सामने डाला जाएगा, जो भी लगता है आपके सामने हम डाल कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, TVS विक्टर का ही हम इसी बाइक का हम क्लच प्लेट डालेंगे। ठीक है, ये चौड़ा पट्टी का जो आता है इसी का हमें डालना है, चौड़े पट्टी वाला। और क्लच सेंटर हब जो डालेंगे ओरिजिनल डाल रहे हैं। क्लच प्लेट मुझे नहीं मिला, ठीक है, जो मैं दिल्ली बात बता दूँ, क्लच प्लेट मुझे नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला, और कुछ लोग नहीं रखते हैं इस कारण से कि हीरो होंडा बाइक का भी इसमें लग जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर जो है मतलब ज़्यादा बाइक का सामान जो है रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाता है हम लोगों में, इसलिए ये सब दिक्कतें होती हैं। आपको उषा मिलता है, इंद्रेंस मिलता है, ASK मिलता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बेझिझक होकर लगवा सकते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों जांचना पड़ता है, अगर नहीं जांचेंगे ये सब चीज़ ना, तो लगाने के बाद फौरन ये जो है काम नहीं करेगा और क्लच प्लेट ख़राब हो सकता है। चलो सही है, मूवी लो इस TVS रेडियोन में आप फोनिक्स बाइक का ही क्लच सेंटर, क्लच हब, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सभी चीज़ें लगा सकते हैं। तो फोनिक्स का यहाँ पे क्लच हब आपको देखने मिलेगी, जो कि 258 रुपये का आता है, और ये क्लच सेंटर भी देख सकते हैं 210 रुपये का है, ये भी फोनिक्स के नाम से है। प्रेशर भी प्लेट भी आप उसी नाम से ले सकते हैं, बस क्लच प्लेट आप जिसका चाहे डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर दोस्तों क्लच कवर के पैकिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि फोनिक्स या फिर TVS स्टार सिटी प्लस नाम से आप इसमें लगा सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ दोस्तों, इसमें फोनिक्स का ही सारा चीज़ डिज़ाइन दिया हुआ है, सिर्फ क्लच का जो है मॉडल अलग है कवर का, बाकी सारा चीज़ जो है फोनिक्स वाला ही सिस्टम दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका फिनिशिंग कितना आ रहा है, कितना दूरी तक ये ले रहा है। तो इतना ले रहा है, उसका भी आप देखें, इसे भी देखें कि ये इसका जो सेंटर का ऊंचाई जो है ये वाला पार्ट कितना ऊंचाई है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फिनिशिंग अच्छा हुआ है और ये अच्छी तरीके से काम करेगी। यहाँ पर एक टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग देख के आपको लगाना है और इसमें भी हम मोबिल डाल देंगे। भाई हमारा जो वीडियो है बहुत ही अलग होता है, हम अलग प्रकार का ही जानकारी देते हैं, सबसे अलग हटके होता है वीडियो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए। अब देखिए क्लच कटोरा जब हम लगाएंगे तो इसमें ये बूझ जो है ऊपर से लगेगी इस तरीके से। तो भाई क्लच प्लेट लगाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्लच बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है। ये देखिए क्लच पूरा लूज हो गया है, इतना लूज इसलिए हुआ है कि पहले जब क्लच सेंटर हब ख़राब था तो ये टाइट हो गया था। इसको सेट करो, 12 में चाबी ले, ये देखिए क्लच को एडजस्टिंग कर दिया हमने, ये नट जो है यहाँ तक था, ये नट यहाँ तक था, अब काफ़ी दूर तक चला गया, इतना एडजस्टिंग हुआ ये। ये देखिए क्लच भी अब काम करेगा, मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए पहले तो किक ये स्लिप कर रहा था, अब ये स्लिप नहीं कर रहा है। ये देखिए गाड़ी को भगाना क्लच प्लेट का ही काम है, तार पे